हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लव फॉर प्लांट। ये मेरा चाइनीज़ एग्लोनेमा का प्लांट है। वैसे तो बाकी सारे प्लांट्स काफ़ी अच्छे रहते हैं, लेकिन ये वाला जो चाइनीज़ एग्लोनेमा का प्लांट है, ये देखिए मैंने दो छोटे छोटे पोट्स में लगा रखा है। ये 4-5 इंच के ही बहुत छोटे छोटे पोट्स हैं इस तरह से, लेकिन इनकी कंडीशन बिल्कुल भी सही नहीं है। ये लास्ट ईयर का एग्लोनेमा का प्लांट है मेरा, इस तरह से आप देख सकते हैं। ये जो इसका मदर प्लांट था, ये वाला इसमें और इसका ये वाला, लेकिन इसकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी सर्दी के टाइम पे, जब पिछली सर्दी थी उसमें कुछ भी नहीं बचा था, सिर्फ ये छोटी सी स्टेम बच गई थी। इस तरह से इन दोनों की कुछ भी नहीं था। ये बाहर रखे हुए थे क्योंकि चाइनीज़ एग्लोनेमा को हमारे बहुत ज़्यादा ठंड बर्दाश्त नहीं रहती हमारे प्लांट से, और बहुत ज़्यादा इन्हें ठंड लगने की वजह से, ठंड में ज़्यादा रहने की वजह से, फ्रॉस्ट वगैरह की वजह से मेरा पूरा का पूरा जो है प्लांट ख़राब हो गया था। इस तरह से मैं चाइनीज़ एग्लोनेमा को हमेशा थोड़ा सा बचा कर रखना चाहिए सर्दी से भी, और बहुत ज़्यादा तेज़ हीट से भी बचाना चाहिए। लेकिन मेरा ये प्लांट बिल्कुल भी नहीं बच पाया था तेज़ ठंड से। मुझे लग रहा था कि अब तो ये प्लांट बिल्कुल भी काम का नहीं रहेगा, बेकार हो चुका है, क्योंकि इसमें कोई न्यू ग्रोथ मुझे नहीं लग रही थी, सिर्फ एक छोटी सी स्टेम बच गई थी। लेकिन जब इसमें मार्च का टाइम आया तो मुझे लगा कि इसमें शायद कुछ हो सकता है, इस तरह से कुछ नए शूट्स आने शुरू हुए इसमें, ये वाले शूट्स इस तरह से। लेकिन ये शूट्स बढ़े नहीं, बिल्कुल भी नहीं बढ़े। 1-1.5-2 महीना बिल्कुल ऐसा कैसा हमारा प्लांट रहा, ना इससे कम हुआ ना इससे ज़्यादा। सिर्फ ऐसा लग रहा था कि शूट्स बड़े होंगे हमारे, बड़े होंगे, लेकिन हुए नहीं। लेकिन फिर थोड़ा सा और टाइम जैसे चलता गया, चलता रहा इस तरह से। अब 1.5-2 महीने पहले इसकी जो नए बेबी प्लांट्स हैं वो आना शुरू हुए इस तरह से। इस वाले प्लांट में सबसे फर्स्ट ये बेबी प्लांट आया, उसके बाद ये वाला, फिर ये, और उसके बाद ये वाला, इस तरह से अभी 4 बेबी प्लांट आए हुए हैं। और इस वाले प्लांट में ये सिर्फ एक ही बेबी प्लांट आया हुआ है, इसकी कटिंग और इसमें कोई भी बेबी प्लांट नहीं है। और इसकी जो शूट्स हैं इसमें भी एक इस तरह से एक पत्ता आया था, लेकिन वो बढ़ा नहीं, वो वहीं उसकी ग्रोथ रुक गई। इस तरह से कई बार हमारा जो एग्लोनेमा का प्लांट है वो किसी भी कंडीशन की वजह से, हमारी गलती की वजह से, या फिर बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी या ठंड की वजह से ख़राब हो जाते हैं। तो हमें मायूस बिल्कुल भी नहीं होना है, और हमें उसको फेंकना भी नहीं है। ये समझ कर कि हमारा प्लांट अब नहीं चलेगा, इसको फेंक देते हैं। काफ़ी टाइम हो गया, 1-1.5-2 महीने हो गए हमारे प्लांट में कुछ भी ग्रोथ नहीं है, सिर्फ डंडी बची है। ये थोड़ी अच्छी लग रही है, फिर भी ग्रीन थी अच्छे से, हो सकता है आपकी हल्की सी ब्राउन भी होनी स्टार्ट हो गई हो। फिर भी आप अपने प्लांट को बिल्कुल भी फेंके नहीं, उसे रखे रहने दें, बस बहुत ज़्यादा खाद पानी नहीं, उसको हल्का सा मेंटेन करते रहें। और जब सही मौसम आएगा तो अपने प्लांट, आपका जो एग्लोनेमा का प्लांट है, वो नए बेबी भी प्रोड्यूस करेगा, उसकी अच्छी ग्रोथ भी रहेगी। इस तरह से देखिए, इसमें जो साइड में रूट्स हैं एक्स्ट्रा, वो रूट्स भी आई हुई हैं अलग से थोड़ी सी। तो मुझे लगता है कि मुझे इसे मेन जो स्टेम है इसको भी प्रोपोगेट कर ही लेना चाहिए, क्योंकि अब बहुत टाइम हो गया, इसमें कोई नया शूट नहीं आया हुआ है, नोड बनी हुई है लेकिन नई ग्रोथ नहीं है। तो मुझे लगता है इसको मुझे यहाँ से हटा करके नया प्रोपोगेट कर लेना चाहिए इसको। कई बार मौसम चेंज होने की वजह से हमें लगता है कि हमारे जो प्लांट सब ख़राब हो चुके हैं, लेकिन उसे फेंके नहीं बिल्कुल भी प्लीज़। जैसे मेरा ये प्लांट दोबारा से रीग्रोथ हुआ है, हो सकता है आपके प्लांट में भी वैसी ही नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाए। तो आप अपने प्लांट को रखें, उसे अच्छे से संभाल कर रखें, हो सकता है न्यू ग्रोथ आपकी 1-2 महीने 3 महीने बाद स्टार्ट हो, क्योंकि प्लांट हमारा कुछ ज़्यादा स्ट्रेस में होता है, तो हो सकता है वो टाइम ले। सही टाइम आने पर आपका प्लांट दोबारा से ज़रूर ग्रोथ करेगा। अगर उसकी कंडीशन बिल्कुल थोड़ी सी भी सही है, थोड़ी सी भी उसकी रूट्स बाकी हैं प्लांट के अंदर, जान बाकी है, तो आपका प्लांट दोबारा से ग्रोथ कर ही जाएगा।